लगता है जो ना हुआ होने को है। यार कक्कड़ तेरी, नहीं एक मिनट, तेरी आवाज सुनकर लगता है मैं अपने मुंह पर मारू थप्पड़। यार क्या हो गया तेरे को? सो वेलकम बैक गाइस, की हालचाल साहब, तो फुली सारे वधिया होवोगे। अज आप लेके आए फाइव फेमस सिंगर्स जिन्हां नो ऑडिशंस विचो रिजेक्ट कर दिता गया सी रियलिटी शो जजेस ने, ते अजो देखदे हां। लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, हम सबको अपने जीवन में कभी ना कभी रिजेक्शन फेस करना ही पड़ता है, और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंगर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें रियलिटी शो से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन आज की डेट में वो बहुत सक्सेसफुल सिंगर हैं। तो गाइस, मैंने सिंगर्स पे बहुत जिम्मेदार वीडियो बना रखी है, इस वीडियो को देखने बाद उन्हें भी जरूर चेकआउट करना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर वन, रघुराम इंडियन आइडल के ऑडिशन में गए होते हैं, और जाते ही पहले तो वो स्ट्रेचिंग करने लगते हैं, जिसके पीछे का कारण मुझे अभी तक समझ नहीं आया। हाय, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, आई हैव अ कुछ लोग, टू मिनट्स टू सिंग, सो इफ यू ऑल, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट, नो नो, इट्स अ आई नीड टू डू दिस बिफोर आई सिंग इट। या उसके बाद वो गाना सुनाते हैं जो कि आप खुद ही सुनिए। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। फिर जजेस उनके परफॉर्मेंस पे क्या बोलते हैं आप खुद ही देखिए। बहुत खराब करे, बहुत खराब करे, ऐसा ये क्या, ये बेस्ट है आपका जो गाना चुना है आपने? नहीं, मेरे को लगा आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं, नहीं, हमारे लिए अच्छा नहीं है ये। एक्सरसाइज कर रहे थे ना, अभी कुछ स्ट्रेचिंग कर रहे थे। दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। हां, तो वही कमाल था। तो आप क्यों करते हैं वो स्ट्रेचिंग? मेरे को एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, सिंगिंग की प्रॉब्लम है? नहीं, इट्स अ प्रॉब्लम इन माय बॉडी, प्लीज डोंट मेक फन ऑफ इट। Nice. लेकिन आपने स्ट्रेचिंग की, उसके बावजूद भी आपकी स्ट्रेचिंग आपके सुर तक नहीं पहुंची। आपका कहने का मतलब है कि आपको मेरा गाना पसंद नहीं आया? मेरा कहने का मतलब यह है कि आप गा नहीं सकते, मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते। तो आप ये बात तमीज से भी बोल सकते हैं? ये मेरा तरीका अच्छा, ऐसी बात है। नंबर टू, जुबिन नौटियाल एक्स फैक्टर के ऑडिशन के लिए गए होते हैं, और वहाँ पे वो बहुत बढ़िया गाना गाते हैं, और गाना खत्म होने के बाद जजेस इनसे कहते हैं कि इनकी आवाज में थोड़ा दम कम था और इन्हें अपनी आवाज पे और काम करना पड़ेगा। उसके बाद सोनू निगम जुबिन को मना कर देते हैं, लेकिन बाकी दो जजेस की तरफ से हाँ हो जाती है, जिसकी वजह से वो सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो इस शो को जीत नहीं पाते। नंबर थर्ड, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि नेहा कक्कर इंडियन आइडल की कंटेस्टेंट थी, और एक नेहा गाकर परफॉर्म कर रही होती है तो अनु मलिक उनसे क्या कहते हैं आप खुद ही देखिए। तो गाइस, ये क्लिप देख के आप समझ ही गए होंगे कि बहुत रूड बंदा है, बहुत कड़िया बंदा यार है। अगर आप हर दिन मेहनत करोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर फोर, एमी वे बंटाई। आज का आज नेहा कक्कड़ नो तो किन्ने थल्ले है यार, लोग कितने बैठे हैं यार, जुबिन नौटियाल के कितने बैठे ने। इंडियाज गॉट टैलेंट के ऑडिशन में गए होते हैं, और वहाँ पे वो परफॉर्म भी करते हैं। बोलो बोलो बोलो, और बनता है, बोलो बोलो बोलो, और बनता है, जोर से भाई, और बनता है, बोले बम बम, और बनता है। क्या रैप किया है यार, फंटास्टिक, ये तो हिट गाना हो गया। अरे वाह, योर वे माय वे एमी वे, क्या बात है, और बनता है। बहुत मजा आया, लव योर स्टेज प्रेजेंस यार, आपका रैप, आपके लिरिक्स।
लेकिन जजेस को उनका परफॉर्मेंस इतना खास नहीं लगता, इसीलिए वो उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। नंबर 5, अरिजीत सिंह अपने शुरुआती दिनों में फेम गुरुकुल नाम के शो में गए होते हैं और वहाँ पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन बीच बीच में उन्हें अपने परफॉर्मेंस में थोड़ी दिक्कत आ रही होती है और इसी वजह से वो उस शो को जीत नहीं पाते। बहुत फोकस के साथ आया था वो कि उससे फेम चाहिए, कहीं पे और एक पक्का बॉन्ड बन गया उसके साथ, एक नाता सा बन गया, जैसे कि वो छोटा बच्चा, उसकी सारी जिम्मेदारी हम पर है। इतना जानकार लड़का पर कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से आज वो खतरे में? अच्छा लगा कि भी कुछ नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि वो बहुत कोशिश करता है, पर कहीं पर जो है वो खो जाता है स्टेज पे जाके, उसमें भगवान की देन जो है इतना दिखाई देती है, जब वो गाता है तो बिल्कुल भगवान खड़ा कर देता है। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही, मैंने अपने चैनल पे ओके नाइस ए सिंगर 5 टॉप फेमस सिंगर्स आज कल के टाइम पे, ये पंजो बहुत तगड़े लेवल पे बैठे ने, ठीक है। जो स्टार्टिंग आए थे, ठीक है, जो 2 मेरे ख्याल ट्विन्स भरा होंगे ने, है ना, उन्होंने तो मैं कोई गाना इन्ना मैंने याद नहीं है जो सुने भी हो, बट बाकी चार सिंगर बहुत सुने ने, ठीक है। तो इन्होंने चारा का नाम है इस टाइम इंडस्ट्री में, टी सीरीज इन्होंने सिर तक चल रही है, ठीक है। ये टी सीरीज बहुत कंपनिया बहुत शोज़ न बहुत अलग अलग तरीके से, जिन्हें आप कह सकते प्रोड्यूसर सब वहम हों कि उन्होंने करके आर्टिस्ट चल रहे हैं, बट उन्होंने ये नहीं पता हों कि आर्टिस्ट करके वो चल रहे हैं, ठीक है। जो आर्टिस्ट वधिया परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्होंने पैसे बन रहे हैं, सो इज्जत देनी शुरू करनी चाहिए है। अनु मलिक जो भी मतलब वह नाम आ, ठीक है, मैं सीधी यही गल कहूँगा कि बहुत डिसरिस्पैक्टफुली गल करता वो कई बार लोगों, ठीक है। इस करके मैं शो जो देखने बंद करते इंडियन आइडल वगैरह, क्योंकि गुस्सा लगता है, चल ठीक है बंदा जिम्मे भी है जो भी है, ही पेड फॉर द ऑडिशन एंड थोड़ा वह ऑडिशन लेना बनता है, चाहे वह जिमें का मर्जी कर रहा है जो मर्जी कर रहा है, घटिया गल है, तुम बस इन्ना कह सकते हो कि नहीं ब्रो सिलेक्ट नहीं होया, ठीक है, कि नैक्सट टाइम बस इन्ना कह के खत्म करो कि इन्ना घटिया मतलब थप्पड़ मार रहे तेरी आवाज़ मेरे मूहे, मतलब क्या क्या यूजलैस टॉक्स, अपने औकात दिखाने होती है ना जी औकात, ठीक है, वो इदा फिर दिख जाते लोगों की जो पुट्ठा सीधा बोलते हैं ना औकात दिख जाती है लोगों की फिर, ठीक है। बाकी यार दैट्स ऑल ऑफ मिलता छेती नवे रिएक्शन, सत श्री अकाल।